नमस्कार दोस्तों, कॉलपुट आंकड़ा पे मैं हर रोज़ बातें करता हूँ। कॉलपुट आंकड़ा ये बताती है, कॉल में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आने का मतलब ये होता है कि कहाँ निफ्टी जा सकता है, कहाँ मार्केट जा सकता है। और पुट आंकड़े में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होने का मतलब ये होता है कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है। तो ये डाटा समझाती है रेसिस्टेंस और सपोर्ट, कहाँ मार्केट ले सकता है, कहाँ तक मार्केट गिर सकता है और कहाँ तक मार्केट बढ़ सकता है। तो कॉल पुट ऑप्शन डाटा से समझ में आ रहा है, एज पर मंथली ऑप्शन डाटा वी हैव सीन मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 18,900 के स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 1.12 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है, 1.12 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिला, यानी 18,900 से मार्केट वहाँ तक जा सकता है, ये दिखा रहा है कॉल ऑप्शन डाटा, ये दिखा रहा है। विच कैन एक्ट एज क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया फॉर द निफ्टी 50 इन कमिंग सेशन, कमिंग सेशन में निफ्टी 50 में ये एरिया दिखाएगा। दिस वॉज फॉलोड बाय 1.06 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट 19,000 के स्ट्राइक पे है और 18,800 के स्ट्राइक पे 1.03 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि 18,900 के स्ट्राइक पे 1.12 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है, 19,000 के स्ट्राइक पे 1.06 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है, 18,800 पे 1.03 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। वी हैव मीनिंगफुल कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग का मतलब है कॉल सेलिंग हुआ है। तो कॉल सेलिंग कहाँ हो रहा है, कॉल सेलिंग का मतलब है लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉल सेल करके जब मार्केट का प्रीमियम डिके होने लगता है तो वहाँ उसको फ़ायदा होती है। तो कॉल राइटिंग 18,900 पे मिल रहा है, जहाँ पे 15.19 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है, 19,950 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग कहाँ हुआ है, कॉल अनवाइंडिंग का मतलब कॉल लोग से शॉर्ट किए थे अब वहाँ से कवर कर ले रहे हैं। तो 18,800 पे जहाँ पे 42.84 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कम हुआ है, फॉलोड बाय 18,700 और 19,800 पे 40.02 और 20.03 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी कम हुआ है। अब पुट ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं, पुट ऑप्शन डाटा कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है। तो ऑन द पुट साइड द मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 18,700 के स्ट्राइक पे, 1.34 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है, यानी 18,700 पे 1.3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है, यानी 18,700 तक मार्केट गिर सकता है अगर गिरने का होगा तो। विच कैन बी क्रूशियल सपोर्ट लेवल फॉर द निफ्टी 50 इन द कमिंग सेशन, तो ये क्रूशियल लेवल रहेगा 18,700। दिस वॉज फॉलोड बाय 18,800 पे 1.05 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है, 18,600 पे 82.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पुट राइटिंग कहाँ हुआ, पुट राइटिंग वॉज सीन 18,700 पे देखने को मिल रहा है, जहाँ 54.72 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है, 18,800 और 18,500 पे 33.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे और 10.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। पुट अनवाइंडिंग कहाँ हुआ है, 17,800 पे 6.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हो रहा है, यानी लोग बेच के निकल रहे हैं, पुट शॉर्ट किए थे अब वहाँ से बेच के निकल रहे हैं। 82,200 और 80,400 पे भी 6.64 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 4.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी देखने को कम मिल रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ हो रहा है, हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब है लोग पोजीशन बना रहे हैं उस स्टॉक में, तो कौन से स्टॉक है, हायर डिलीवरी पर्सन सजेस्ट दैट इन्वेस्टर आर शोइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक, वी हैव सीन हाईएस्ट डिलीवरी पावर ग्रिड पे देखने को मिल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री पे मिल रहा है, डालमिया भारत पे मिल रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट पे मिल रहा है, एल्केम लेबोरेटरीज पे मिल रहा है, जहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है। 47 स्टॉक्स पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या हुआ, लोग पोजीशन बनाए थे और पोजीशन बना रहे हैं, मैंने ज़्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं, तो एन इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस इंडिकेट बिल्डअप फॉर लॉन्ग पोजीशन, बास्ट ऑन द ओपन इंटरेस्ट वी हैव लॉन्ग बिल्डअप 47 स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है, L&T फाइनेंस होल्डिंग पे, कैनरा फाइनेंस पे, होम फाइनेंस पे, HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे, मैक्स फाइनेंशियल लाइफ सर्विसेज पे,
एलएनटी माइन ट्री पे। तो यहाँ पे लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, पहले किए थे और ज़्यादा कर रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, मैंने लॉन्ग पोजीशन लोग बनाए थे, अब वहाँ से लोग निकल रहे हैं। तो ए डिक्लाइन इन ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस जनरली इंडिकेट फॉर लॉन्ग अनवाइंडिंग। बास्ट ऑन द ओपन इंटरेस्ट सजेस्ट 47 स्टॉक्स पे इंक्लूडिंग रेन इंडस्ट्री, बॉस्क, डॉक्टर रेड्डी, अरविंदो फार्मा, ये सारे स्टॉक हैं जहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। अब 23 स्टॉक्स पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये हुआ कि लोग वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट पोजिशन बना रहे हैं। तो एनॉन इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट अलॉन्ग विद प्राइस डिक्रीज इंडिकेट द बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजिशन। तो शॉर्ट पोजिशन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बास्ट ऑन द ओपन इंटरेस्ट वी हैव सीन शॉर्ट बिल्डअप 23 स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। अतुल पे, अशोक लीलैंड पे, दीपक नाइट्रेट पे, एस्कॉर्ट्स पे, हीरो मोटोकॉर्प पे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ को मिल रहा है देखने को, शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट पोजिशन बनाए थे लोग, अब वहाँ से लोग निकल रहे हैं। तो डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ प्राइस इंक्रीज एंड इज एन इंडिकेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग। बास्ट ऑन द ओपन इंटरेस्ट 72 स्टॉक्स शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। जेके सीमेंट हो गया, महानगर गैस हो गया, HDFC AMC हो गया, RBL बैंक हो गया एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल हो गया, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। बल्क डील कहाँ हो रहा है, तो बल्क डील हो रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे। प्रमोटर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्वायर्ड 1.49 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ करोड़ इक्विटी शेयर बाय हुआ है, 0.69% होगा जो यहाँ पे बाय हुआ है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यहाँ खुद बाय किया, प्रमोटर खुद स्टेक बढ़ा रहा है। सेफायर फूड्स पे फॉरेन कंपनी WWD रूबी हैज एग्जिट कर दिया है। KFC, पिज्जा हट, टेको बेल रेस्टोरेंट्स इसका इंडिया में है, ये सारा जो है वहाँ से एग्जिट किया है सेफायर फूड्स पे। तो ये सारे स्टॉक हैं जहाँ पे बल डील हुआ, HDFC पे इसलिए तेजी बना रही है, प्रमोटर वहाँ पे पोजीशन को अपना क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक हुए जहाँ ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, इसका हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी और लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।